हरियाणा के करनाल में पकौड़े बेचने वाली रेहड़ी मालिक को सेल्स टैक्स विभाग की तरफ से 9 करोड़ का नोटिस थमाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि निर्दोष लोगों को सताया नहीं जाएगा। मामले को बोगस कंपनीज के जरिए जीएसटी फ्रॉड से जोड़कर देखा जा रहा है। करनाल के नेवल में रेहड़ी पर पकौड़े बेचने वाले बलविंदर को करोड़ों रुपए का टैक्स भरने का नोटिस थमा दिया गया है, जिसके बाद से परिवार खासा परेशान है। पीड़ित परिवार के मुताबिक पहले भी इस तरह के नोटिस भेजे गए। बलविंदर सब्जी मंडी के पास प्याज टमाटर बेचकर और बस स्टैंड पर पकौड़ों की रेहड़ी लगाकर परिवार का खर्च चला रहा है। उस पर पानीपत सेल्स टैक्स की तरफ से भारी भरकम टैक्स संबंधी बिल थमा दिया गया। 33 करोड़ का ओवरटर्न दिखाया गया है, कोई कर्नाटका बैंक का है, दियर बना बैंक का है हमें, क्योंकि हमने कुछ करा नहीं तो हम पूछने की शक्ति रखते नहीं भी हमने क्या करा है। लेकिन ये देखने में बालने में यहाँ जाते हैं तो बढ़ाया जाता है, पता लगता है कि 33 करोड़ का ओवरटर्न करा है, जिसका 9 करोड़ रुपया टैक्स तो मेरे दमाद के नाम आ चुका है। मेरी अभी जो जाँच बाकी चल रही है, बाकी पहले तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री ने भी कहा था तो कोई सुनवाई इतनी नहीं हुई थी। अब मीडिया के थ्रू ही है जी हम गए, उन्होंने हमारी सुनवाई करी है, तो अब 5 बजे का टाइम दिया एसपी साहब ने, अभी मेरे से आके मिलो, क्या कार्रवाई है क्या नहीं है। बाकी 1.25 साल पहले भी हम गए थे, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। कोई प्रशासन, कोई अधिकारी, अधिकार तो सबको डरा रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं जी 9 करोड़ रुपया बलविंदर तक को देना पड़ेगा, और बाकी इनकी जाँच चल रही है सुभाष जी की। वही मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि किसी भी निर्दोष को सताया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक कुछ लोगों ने बोगस कंपनियां बनाकर जीएसटी फ्रॉड की कोशिश की थी। ये पिछले दिनों में पानीपत में एसजीटी जीएसटी के विषय को लेकर के कई लोगों ने बोगस फर्में बनाई थी और उन बोगस फर्मों में काफ़ी लोग पकड़े गए हैं। इस प्रकार का कोई भी नया केस आएगा, किसी भी ऐसे सामान्य व्यक्ति को हम कहीं भी तकलीफ नहीं देंगे। एक इस प्रकार का केस करनाल में भी एक रामनगर की महिला के साथ आया था, आज मान लो ये पानीपत का भी ऐसा केस आया है, इसका पूरा संज्ञान लिया जाएगा और जिसने भी फर्जी उनके नाम का दुरुपयोग किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की तरफ से मिले आश्वासन के बाद रेहड़ी मालिक को भी राहत मिल जाएगी। करनाल से कमरजीत विर्क, जी मीडिया। और सिरसा में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। विभाग ने एक सैलून में बिजली का बिल 2,94,000 रुपए भेज दिया, जिसको देखकर सैलून मालिक काफी परेशान है। हरियाणा में एक बार फिर सामान्य जिंदगी बिताने वाले एक शख्स को बिल का करंट लगा। बिल का करंट इसलिए क्योंकि सिर्फ एक पंखा और एक ट्यूबलाइट जलाने वाले उस शख्स को करीब 2,94,000 का बिल थमा दिया गया। मामला सिरसा के सिद्धू नर्सिंग होम इलाके का है, जहां सैलून शॉप के संचालक संजय कुमार को बिजली विभाग ने पिछले 3 महीने में 27,000 यूनिट की खपत बताते हुए लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। बिल देखते ही संजय कुमार के होश फाख्ता हो गए। बिल को सही करवाने के लिए उसने अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीए साहब को मिला, सीए साहब ने एप्लीकेशन ली और लिखवाया, और तीसरे दिन मेरा मीटर बदल दिया गया। वो मीटर मेरा पुराना लैब में गया, उसके बाद मैं सीए साहब से मिला, सीए बोले आपने ये बिल भरना पड़ेगा भैया, आपके मीटर रीड ओके आई है, मीटर सही है, लेकिन 27,000 मेरी आज तक कभी जिंदगी अंदर नहीं चली, आप मुझे कैसे चला के दिखाओगे। मेरी एक छोटी सी नाई की दुकान है, 2 टोपे ससरी हैं, लेकिन 27,000 बिल भरना मेरे लिए बहुत एक अहम हार्ट अटैक की मजे की बात हो रही है सर। जब मामला बिजली मंत्री रणजीत सिंह के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने पीड़ित दुकानदार को उनसे मिलने को कहा और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। एक सिरसा का एक नाई है, उसका बिजली का बिल 2.5 लाख रुपया आया, बिजली निगम के अधिकारियों के चक्कर लगा थक चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही उसकी। उसे कहना मेरे से मिलेगा, मैं करता हूँ उसका। बिजली विभाग की लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी विभाग की ओर से उपभोक्ता को गलत बिल थमाए गए हैं और बिल की दुरुस्तगी के लिए उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा।